असफलता कभी किसी को पछाड़ नहीं सकती, असफलता की कभी किसी को पछाड़ नहीं सकती। यदि सफल होने का उनके अंदर काफ़ी जुनून है, यदि सफल होने का उनके अंदर काफ़ी जुनून है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और मैं हूं करुणा। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सभी लड़कियों का जो मॉर्निंग टाइम है, मतलब जो भी हाउसवाइफ, उनकी मॉर्निंग सुबह बस ये कुकिंग का ही काम होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ घर का काम को भी और पढ़ाई भी प्लस बच्चे को भी। तो देखिए, इस मॉर्निंग का टाइम है और मैं सबसे पहले यहाँ नाश्ता बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ। तो पहले ही मैंने चाय में जो मतलब दूध होता है उसे मलाई मैंने अलग कर लिया था, फिर चाय बनाई। उसके बाद मैं यहाँ पर चाउमीन बना रही हूँ नाश्ते, क्योंकि आज संडे था और ये वीडियो मैं आज अपलोड करी, कल टाइम नहीं मिल पाया था मेरे पास। और देखिए, मैंने यहाँ नूडल्स तैयार कर लिया। अब मैं यहाँ टिफ़िन के लिए नाश्ता रेडी करूँगी। तो देखिए, नाश्ता भी रेडी हो गया है और अब मैं यहाँ पे मतलब खाना भी बनाऊंगी साथ में। तो संडे तो यहाँ मतलब दाल चावल सब्जी रोटी ये सब मुझे रेडी करना था। तो देखिए, मैंने इसे यहाँ पे करेले भी बना लिए हैं। तो हम मतलब सब लड़कियाँ सोचती हैं कि हम लोग कैसे घर का काम भी करें, इतना सारा काम हो जाता है संडे को, सच में बहुत सारा काम हो जाता है। देखिए, मैंने मतलब मैगी नूडल्स बनाया, चाय बनाया और प्लस यहाँ पर मैंने दाल वगैरह ये सब बनाऊँगी। तो आप देख सकते हो, मेरे वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा कि आपकी मॉर्निंग शुरुआत कैसी होती है। और हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह मैं यहाँ पे चाय रेडी कर ली हूँ। और चाय रेडी करने के बाद मैं यहाँ पे जो हम पहले सबसे पहले मतलब अपने घर पे मूंग और चने और बादाम ये भिगोकर सब लोग खाते हैं, तो ये मैं रात को ही मतलब भिगो कर रख देती हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसे ही मतलब सुबह जितना जल्दी जगेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि सुबह सुबह सब काम हो जाता, फिर आप सारा दिन पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप पे चाय बनाऊंगी। मैं अभी सुबह मॉर्निंग नहीं जग पाती, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो मेरे हाथ है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। तो साझे से काम करती हूँ, फिर सोचो कि सुबह पढ़ लो तो बहुत थकान जैसे रहता है, इसलिए मैं सुबह नहीं जग पाती हूँ, बस खाना बनाने के लिए जग पाती हूँ। तो अभी मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं सुबह कर पाती, जो भी पढ़ाई है वो रात में या तो फिर सुबह नहीं हो पाती, बिल्कुल भी दोपहर में ही कर पाती हूँ। तो मेरा हाथ बिल्कुल भी काम नहीं करता ज़्यादा, मतलब थकान तुरंत महसूस हो, फिर भी घर का काम करना पड़ेगा। अगर इतनी छोटी सी मतलब छोटी सी बात तो नहीं है, लेकिन अगर इतनी प्रॉब्लम को लेकर हम बैठ जाएंगे तो आगे क्या कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम बहुत आएंगी आपकी लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हो। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो आपकी लाइफ मतलब नॉर्मल ही जिएंगे, सुबह नहाओ खाओ पियो सो जाओ मस्त, बस इतनी। अगर आपको कुछ करना है, आपके अंदर कुछ जुनून है, तो आपकी प्रॉब्लम बहुत आएगी। आप ना चाह कर भी आपको प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ेगी। तो जो आपका ड्रीम होता है, जब आपने अगर देखा तो उसको अगर झेलना, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जो मेरे साथ हो रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि सच में मुझे राइट हैंड में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और मेरे घर पे भी ऐसा कोई नहीं जो मतलब मेरा सपोर्ट कर सकता, क्योंकि सबकी जॉब है, सब चले जाते हैं, बस मैं ही बचती हूँ। तो देखिए, मैं सुबह का टाइम दो घंटे पानी आता है, तो मुझे सुबह पानी भरना पड़ता है, सुबह का सबके लिए टिफ़िन बनाना पड़ता है खाना, और सबके लिए खाना भी मेरा बन जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन मेरे 9 बजे तक मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता है। इतना हाथ में प्रॉब्लम होने के बाद इतना मतलब अगर मैं बैठ जाऊंगी आराम करने लगूंगी तो मेरे से काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अगर मैं थोड़ा सा भी आराम करूँ फिर सोचूं मैं काम कर लूँ, फिर सोचूं थोड़ा सा फिर आराम कर लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरा हाथ दर्द होता, जितना मैं तेज़ी से काम करती उतना मेरे हाथ में दर्द बढ़ता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी जोश में आकर के पूरा काम कि मुझे 9 बजे तक मेरा काम फिनिश करना, तो मैं कर डालती हूँ, फिर भले आराम करूँ, लेकिन मेरा हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और 9 बजे के बाद मैं थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर अपने रूम में जाती हूँ, फिर वहाँ पे बच्चे का मतलब कपड़ा लत्ता, अपना कपड़ा और झाड़ू पोछा ये करने बाद बच्चे को नहलाया धुलाया, उसको भी खाना खिलाया, तब जाके फिर मैं फ्री होती हूँ, फिर मैं पढ़ती हूँ। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर हर लड़की यही लेकर बैठ जाए कि हम मुझे इतना काम है, कैसे पढ़ाई करूँ, कैसे मैनेज करूँ, तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि आप मेरे वीडियो को देखिए, वॉच करिए और फॉलो करिए, कि शायद आपको भी कुछ जो आपके सपने वो पूरे होने में कुछ मदद मिल सके। तो मुझे सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, पसंद आए शेयर करिए, और मैं आपकी वजह से ही आगे बढ़ पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मतलब आप मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे मोटिवेट मैं होती हूँ कि काश मुझे कम से कम घर पे बैठने से अच्छा कि मुझे कोई वास्ता करता, मुझे फॉलो करता, देखता तो है, कम से कम मैं 1300 फैमिली है वो तो देखते हैं ना मुझे, तो बस घर में नॉर्मल लाइफ से अच्छा है कि कुछ करें।
मेरे एक फ्रेंड है, मैंने उसको बोला, शायद उसको बुरा भी लग गया हो कि क्या मतलब ऐसे मैरिट, इतने सारे डिग्री, इतने सारे सर्टिफिकेट लेके। हमको पता ही था कि शादी के बाद बच्चे ही संभालना है, शादी करके घर को संभालना, तो फिर क्यों माँ बाप का पैसा खर्च किए, इतना पढ़ा लिखा है, हम भी तो किसी के बच्चे हैं ना। तो शायद उसको बुरा लगा हो। और देखिए, मैंने काम करके फिर नाश्ता कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं सब्जी बनाने के बाद नाश्ता कर लेती हूँ, यहाँ चाय और टोस्ट और ये मूँगफली और ये बादाम, ये सब मैं नाश्ता करके खाना बना, थोड़ा एनर्जी आ जाती, वरना थोड़ा सा वीकनेस जैसा होने लगता खड़े खड़े काम करके। तो इस तरह आप भी फॉलो करिए और अपने टाइम को बचाइए। अगर ऐसे ही पूरा 24 घंटा आप घर के काम में लग जाओगे तो फिर क्या मतलब लाइफ जीने का। तो फिर हम ऐसे ही आपको, मैं अभी फ़िलहाल में इतना वीडियो यहाँ पे शूट किया है, बाद में अपलोड करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए, कमेंट करिए क्या मैं सही करूँ गलत करूँ। बाय बाय, टेक केयर, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।